क्या है इसमें, सही सामान दिया है कि नहीं दिया अमेज़न ने। कभी कभार गलत सामान दिया जाता है। दिख रहा अच्छे से, दिख रहा है ना, ये 32 एम्पियर की MCV लगी है, ये साइड में RCC भी है जो बिजली लगते ही आपको जो ट्रिप कर देगा, ट्रिप कर देगा। और ये है इनपुट, इनपुट है यहाँ से मेन सप्लाई आप जोड़िए, और ये आउटपुट है, इसे आप अपने घर की सप्लाई दे दीजिए। ठीक, इसके हम लोग पहले आप टेस्टिंग करेंगे। ये पर्ची दिया हुआ, ये कैसे काम करेगा देखिए, स्पेसिफिकेशन सारा है इसमें, कितने वोल्ट पे काम करेगा, अगर गलत हम करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। देख लीजिए खोल के अच्छे से, ये दिख रहा है 32 एम्पियर की MCV लगी हुई है, या RCC भी है, RCC भी है। और ये हमारा जो है देखिए, तीन मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर तक आपका ये लीकेज करंट अगर हो रहा है, ये ट्रिप कर देगा, बंद कर देगा। साफ साफ देख ही रहा है यहाँ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ये टेस्ट के लिए दिया हुआ है, और ये एक स्विच दिया हुआ है जिसमें ऑफ और ऑन लिखा हुआ है। ऊपर वाला जो है वर्किंग कंडीशन है, इसी में हमेशा हमको ऑन रखना है। बाईपास अगर कभी ज़्यादा लीकेज हो रही है तो इसमें बाईपास करके आप चलाइए, नहीं तो हमेशा आपका वर्किंग वाले में ही रहना चाहिए। इसको टेस्ट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, टेस्टिंग लैंप चाहिए, ये है हमारे पास दिख रहा है टेस्टिंग लैंप, और ये कि हमको जो है लीकेज कराने के लिए चाहिए। इसमें है एक होल्डर है, एक बल्ब है और एक स्विच है, मेन सप्लाई से इसको जोड़ेंगे इनपुट से, इसके लिए एक वायर चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए इलेक्ट्रिकल सामान तो चाहिए, टूल्स जितने होते हैं ये सारी चीज़ें चाहिए। टेस्टर पहले इनपुट में कनेक्ट हो गया, दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। टाइट से जोड़ेंगे, हो गया हमको ये आउटपुट के लिए देंगे। बड़ा वाला पेचकस भी है, चौड़ा वाला, हाँ इससे काम होगा अच्छे से, वो सरक जाता है ना पतला वाला। अभी रेडी हो गया, हम लोग इसको पहले चेक कर लेते हैं। हमारा लोड हो गया, घर की सप्लाई हो गई, टेस्ट करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ये हमारा ऑफ है, पहले हम इसको जो है यहाँ लगाते हैं, स्विच में हमने लगा दिया, सॉकेट में लगा दिया,
सॉकेट में लग गया है, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है। अब देखते हैं इसको ऑन करके इसमें सप्लाई आ रही है, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसमें फेस है कि नहीं, फेस जल रहा है कि? हाँ जल रहा है, जल रहा है। अब ये न्यूट्रल न्यूट्रल है, हम इसको ऑन करते हैं। बल्ब जलने लगा, ये लाइट भी जल गई। हाँ एक बार और ऑन ऑफ कीजिए, लाइट जल। हाँ देख रही है ये हरी लाइट जल। हाँ ये लाइट जल रही है, ये अगर बाईपास करते हैं तो ये रेड लाइट रेड है, लेकिन हमको हमेशा रेड लाइट नहीं जलना चाहिए। हाँ ग्रीन लाइट जलनी चाहिए, बाईपास नहीं करना, वर्किंग होना चाहिए। हाँ और ये हमारा टेस्ट स्विच है, ये देखिए हमारा बल्ब जल रहा है, दिख रहा है। हाँ हम इसको टेस्ट जो बटन है इसको हम दबा के चेक करेंगे क्या ये सप्लाई बंद हो रही है कि नहीं। दबाया बंद हो गया, ट्रिप हो गई, यानी ये काम कर रहा है काम। लेकिन जो भी है ये इंटरनल हमको देख नहीं रहा है कि ये कैसे काम कैसे कर काम कर रहा है, यानी ये लीकेज टेस्ट करेंगे तो लीकेज करंट कराता है। मान लीजिए कि हमारा जो है इसको हम ऑन कर लेते हैं, देखिए ऑन हो गया, ऑन हो गया, ये वर्किंग कंडीशन में भी। हाँ वर्किंग कंडीशन में है, और हमारा ये लीकेज जो हम कर रहे हैं ये बहुत मिनिमम पे है, यानी 3 mA पे ही हमारा लीकेज है। ठीक ठीक है। और अगर हम आपके घर में जो है अगर 3 mA नहीं काम कर रहा है, बार बार ये ट्रिप हो जा रहा है, तो हम उसको बढ़ा लेंगे। इसको जो है पेचकश लगाएंगे यहाँ पर, और ऐसे हम बढ़ा लेंगे, ऐसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लीकेज नहीं है, इसलिए हम जो है 3 mA पे ही रखेंगे, 3 mA रखेंगे। ठीक, मान लीजिए कि ये इसका नाम जो है RCCB है, ये आपको अर्थ से बचाएगा। लेकिन अगर आप अर्थ पे है ही नहीं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे हो, तो वहाँ आप सोचोगे कि अर्थ हमको मिलेगा ही नहीं तो ये काम नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो इसका काम है लीकेज करंट पे, आप कहीं भी ऊपर भी रहेंगे तो भी लीकेज करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए हम इसको लीकेज कराते हैं बाहर से प्रेस करके। तो इसके लिए हम मेन सप्लाई बंद करेंगे और इस यहाँ से भी निकाल देते हैं सेफ्टी के लिए। हाँ निकाल दिए, चलिए हम इसको लीकेज कराएंगे। लीकेज कराने के लिए ये हमारा एक बोर्ड बनाया गया है, लीकेज बोर्ड, इसमें एक बल्ब होल्डर है, एक स्विच रहेगा। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इनपुट से न्यूट्रल को लेंगे और स्विच वाले को हम जो है ये फेस से लेंगे, यानी एक इनपुट से लेंगे और एक आउटपुट से लेंगे, आउटपुट से लेंगे। ठीक है, तो हम इसका कनेक्शन करते हैं। हम जो है स्विच को फेस से कनेक्ट करेंगे, ये हमारा स्विच का वायर है। फेस हमारा जो है आउटपुट से लेना है, ये आउटपुट है, इससे हम जो है जोड़ लेंगे फेस को। ज़्यादा कास्टली तो है नहीं, 1000 रुपये का आपको मिल जाएगा मार्केट से, या आप अमेजन से मंगा लीजिए। तो इसको हम न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं इनपुट से, आपकी समझ में तो आ रहा है ना? हाँ टाइट से फिक्सिंग दे दी। हमारा ये स्विच बंद है, पेंडेंट स्विच है, पेंडेंट स्विच इसका यूज कर रहे हैं। हम फिर से सप्लाई लगाते हैं यहाँ, इसको हम ट्रिप पोजिशन में, ये हमने लगाया है मेन सप्लाई। देखिए मेन सप्लाई वहाँ लग गया, स्विच भी ऑन है, हम इसको ऑन करते हैं। ये देखिए ऑन करें, तुरंत हमारा बंद हो जा रहा है, यानी ये हमारा थोड़ा दूर से एक बार और कीजिए। हम इसको आप रखेंगे। हाँ आप किया हमने, अब हमारा ये जल गया, ये जल गया, ये जल रहा है, दिख रहा है? हाँ यानी ये हमारा जल रहा है, मैं वर्किंग में भी है। हाँ अब हम इसको लीकेज कराएंगे, लीकेज कराने के लिए हम इस लाइट को जलाएंगे। हाँ
ठीक है, जैसे हम स्विच को दबाते हैं इसको, अगर ये सही तरीके से काम कर रहा है तो बंद हो जाना चाहिए। हाँ तो हम दबा रहे हैं, देखें तुरंत ट्रिप हो गया, तुरंत ट्रिप हो गया, यानी ये ट्रिप हो गया। हाँ ये काम कर रहा है, काम कर रहा है सही कंडीशन में, सही कंडीशन में है और काम भी कर रहा है। यानी इससे हमको क्या पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमको करंट मारे और हम ज़मीन पर रहें, हम कहीं भी हैं, हमारे शरीर को करंट लग रहा है या किसी उपकरण में अगर बिजली आ रही है आपके करंट आ रहा है, एसी, फ्रिज, कूलर किसी में भी आ रहा है, अगर प्रेस में भी आ रहा है तो ये तुरंत बंद कर देगा। लीकेज कहीं भी हो रहा है तो वो बंद कर देगा, कहीं भी होगा लीकेज होगा तुरंत बंद करा देगा, ये जरूरत नहीं है कि अर्थ लगे। हाँ देखिए एक बार और हम टेस्ट करते हैं, देखिए ऑन हो गया, ऑन हो गया, ये हमारा लीकेज नहीं है। और हम अगर इसको लीकेज कराते हैं फिर से, ये हमारा वर्किंग मोड, वर्किंग, हाँ वर्किंग कंडीशन में है, ये हमारा देखिए हम लीकेज कराएं तो बंद हो जाना। हाँ बंद हो गया, अब हम जो है इसको बाईपास में चेक करते हैं। हाँ इसे हमने ऑन किया और हम इसको स्विच को हम बाईपास कर रहे हैं, ये रेड जल, रेड जलने लगा, रेड देख रहे हैं ठीक। अब हम अगर इसको लीकेज कराते हैं इस कंडीशन में, इसको बंद नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए ये भी लाइट जल गई और हाँ और वो भी जल रहा है, चल रही है, ये ट्रिप नहीं, ये यानी ये रेड का मतलब खतरा है, खतरा है, कैसा नहीं होना चाहिए। हाँ इसको हमेशा जो है बाईपास में नहीं रखना है, बाईपास नहीं होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, वर्किंग चलने लगा। देखिए वर्किंग में एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हाँ देखिए हम लीकेज कराते हैं, तुरंत ट्रिप हो गया। का लिंक हम दे देंगे, आप अमेजन से मंगा सकते हैं, कोई भी समस्या हो कनेक्शन करने में या आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।